सच साहस सरोकार। तिरपन लीटर देशी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दो नशेड़ियों को भेजा न्यायिक हिरासत में। गन्ने से लदे गाड़ियों की लगी लंबी कतार, जाम लगने से घंटों रहा आवागमन बाधित। नए जगह बस स्टैंड बनने से यात्रियों को हो रही दिक्कतें, राहगीरों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। कांग्रेस नेता ने किया मध्याह्न भोजन की जांच, जांच के दौरान मिले बासी चावल। एसडीएम ने किया हरनाटाट, पीएससी का औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य केंद्र में मचा हड़कंप, गंदगी देख सफाई कर्मियों की लगाई जमकर फटकार। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार सरकार के मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में नरकटियागंज प्रखंड के अलग अलग पंचायतों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान कई योजनाओं को लेकर जानकारी ली और पंचायत में सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर लाने का निर्देश दिया। बता दें, इस दौरान PRAS जय पंचायत सचिव के साथ मुखिया भी उपस्थित रहे। खबर भागलपुर से है, जहां कहलगांव प्रखंड के वीर बन्ना पंचायत के संगीत बेता गांव के केंद्र संख्या 231 की सेविका के द्वारा बच्चों को मिलने वाला राशन या भोजन का चावल कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं जब इस विषय में गांव CDPO को जानकारी दी गई तो उसने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। 10 बजे था। 10 बजे फिर उसको उतरवा करके रखे? हाँ, हम नए थे घर में, बाद में हम जाने। आप अध्यक्ष, आपको ये सब चीज का जानकारी नहीं है? नहीं, हमसे दस्तखत भी नहीं करवाइए 3-4 महीनों से। पोषाहार वगैरह जो आता कुछ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक दिन हम बोले कि दीदी पैसा जब ना आया तो कहाँ से बांट रहे? क्या बोले कि हम घर से बांटे हैं। सब सुपरवाइजर आया तो हम पूछे, क्या बोला कि 11,600 रुपया पैसा आया है। तब हम बोले इन दीदी को कि जब 20 ठोक आदेश है देने का, 20 ठोक दीजिए, 10 ठोक ना ये बांटी बस चुपचाप रह गई। उस दिन हम नहीं थे, लेकिन मेरे गाँव का जो पब्लिक लोग, लड़का लोग थे, वो गाड़ी पर लोड किया हुआ चावल टेम्पू से लोड किया था ले जाने के लिए, जो कि टेम्पू पर से उतार करके वापस रखा है। हाँ, उस दिन से जो सेविका है इंदु दीदी, वो अभी तक भेंट भी नहीं दिया, ना मेरा कॉल उठा रहा है, ना बातचीत हो पा रहा है। आपके आपके वार्ड में केंद्र चल रहा था, कभी भी आपको सूचना मिलता है कि हाँ कब पोषा आहार वितरण? नहीं, कोई सूचना नहीं। जब पूछने आते थे तो अभी मिलवे नहीं किया है राशन, मिलेगा तो हम खुद बता देंगे। 18 तारीख का क्या बात था? पूरा बात जानते हैं? चावल बेच रहा था, पूरा गाड़ी पर लोड था, गाड़ी पर लोड कर रहा चावल। हाँ। क्या बोरा था? 10 बोरिया, 2 बोरिया घर में रखा था, 2 बोरिया यहाँ, 10 बोरा बेच रहा था। हाँ। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान के तहत 53 लीटर देसी शराब के साथ एक शराब कारोबारी व दो नशेड़ियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं इंस्पेक्टर से थाना अध्यक्ष ने मामले में जानकारी देते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पेराई सत्र शुरू होते ही आए दिन मुख्य सड़क पर जाम लगा रहता है और लंबे जाम से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें, इस मामले में नगर प्रशासन का अधिक्रमण हटाना भी विफल दिख रहा है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बगहा में नए जगह बस स्टैंड स्थापित होने से यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं नए बस स्थापित होने से शास्त्री नगर के स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। आपको बताते चलें कि मुख्य सड़क NH 727 पर बस खड़े रहने के चलते आवागमन को लेकर रहा गीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते जाम की स्थिति प्रत्येक दिन बनी रहती थी।
कि हम लोग बेरोजगारी हम लोग हैं तो मकान हम लोग खोलेंगे, हम लोग को लाभ मिलेगा, हम लोग को बिक्री भी होगी, हम लोग संतुष्ट हैं बस अड्डा से। सड़कों के किनारे उधर चौराहे पे बस स्टैंड होने से बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था, जाम का समस्या मतलब आ रहा था। अब यहाँ आने से आप लोग को राहत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लगना चलोगे तो इसे परेशानी ना है, भाड़ा तो हम लोग देते हैं बगाटू तक स्टेशन तक जाने का। अच्छा, यहाँ पे उतर जाने के बाद फिर यहाँ से अलग भाड़ा दीजिए टेम्पू पे जाने के लिए, तो डबल भाड़ा कौन देगा? ये यहाँ से कितना भाड़ा लगेगा? यहाँ से कम 10-20 रुपए से कम नहीं लेगा, 20 रुपए से। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार श्रीवास्तव। हम क्या कहना चाहेंगे, उसको बनवा के दिया जाए, PCC करके दिया जाए, रोड से 1.5 फुट कम से कम नदी है। बस स्टैंड होने से क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बनवा के दिया जाए, सुरक्षित मिला जाए। अभी कोई सवारी गिरने पहुंचे तो कहां से हम लोग ढूंढेंगे? खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बगहा के लोगों की शिकायत पर कांग्रेस नेता जयशेष मंगल सिंह ने मध्याह्न भोजन की जांच की और जांच के दौरान किचन में भारी मात्रा में बासी चावल पाया गया, जिसको लेकर जयेश मंगल सिंह ने NGO सहित संबंधित अधिकारियों से बात कर फटकार लगाई और बच्चों को ताजा भोजन देने की बात कही। शिकायत आ रहा था कि बच्चों का जो खाना यहाँ से जा रहा है वो हर दिन फेंका जा रहा था, और इसका एक प्रमाण हमारे एक पंचायत के व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे बकायदा दिखाया है, और उसमें मुझे लगा कि शायद क्वालिटी ऑफ फूड इज नॉट दैट गुड, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, औचक निरीक्षण किया हूँ, और निरीक्षण करने के दौरान मैंने इन लोगों को चेतावनी दी है कि अगर कल से खाने में थोड़ी भी कमी होगी, बच्चों का चावल इनके पास, मेरे को एक डेग चावल मिला जो बासी चावल है, मैंने इनको बोला है बासी चावल नहीं रखिएगा, किसी कारण से भी आप गोडाउन में रख रहे हैं वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं, जांच किए हैं, और कल से खाना जो भी बनेगा मैं पहले टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये बच्चों के पोषण का सवाल है। सरकार अगर आपको पैसा दे रही है बच्चों के पोषण के लिए, तो उनको क्वालिटी ऑफ फूड मिलना चाहिए, और अगर ये नहीं मिलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, और मैं आगे कार्रवाई करूंगा अगर इसमें सुधार नहीं आता है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बगहा अनुमंडल पदाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र हरनाटाहड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र में संचालित OPD दवा वितरण, दवा भंडार कक्ष, चिकित्सक कक्ष और प्रसव कक्ष समेत स्ट्रोक रजिस्टर पंजी की जांच की। वहीं SDM ने निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और गंदगी को देख साफ सफाई कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। कमियां सबसे पहले तो साफ सफाई की मुझे गुस्से के साथ नजर आई है कि गंदगी है। NGO के माध्यम से क्लीनिंग का काम कराया जाता है, जो सफाई कर्मचारी है उसको आदेश दिया गया है कि प्रॉपर क्लीनिंग की जाए, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। दवाइयाँ मैंने चेक किया, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन हैं अवेलेबल और दी भी जा रही हैं, मेरे सामने भी मरीजों को दी गई है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम TV के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम TV पर।
बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष ने बताया कि युवक पड़ोस की एक लड़की के साथ 3 सालों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा और 1 नवम्बर को आरोपी युवक ने गन्ने के खेत में बुलाकर जबरदस्ती लड़की के साथ दुष्कर्म किया। बता दें, इस घटना में उसके 2 साथियों के नाम FIR में शामिल है। इसमें 1 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। पीड़िता चनाय मान की पीड़िता है, उसके द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसी गांव का छोटू मांझी पिताराम बली मांझी जो है उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा है लगभग 3 साल से। उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, रात में छोटू मांझी की गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधुबनी से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पिपरा गांव में ट्रैक्टर और बाइक पर सब भारी संख्या में असामाजिक तत्वों ने थाना पहुंचकर थाना परिसर में जमकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद सभी असामाजिक तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। करीब 24 लीटर शराब ले आए थाना में। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि उस गांव का पूरा आदमी मिलकर और इस प्रमोद साहब को छुड़ाने के लिए लोग आए, और आने के बाद हम लोग इनको नहीं छोड़े तो लोग हमारे साथ थे, ज़बरदस्ती करने लगे थाना में, कुर्सी वगैरह तोड़फोड़ करने के बाद इसी बीच में हमारा एक ड्राइवर है उनके सर पर मार दिया घंटा या जो भी हो, तो उनका सर फट गया। उसके बाद में स्टिच उस्टिच लगा, उसके बाद में हम लोग और अगल बगल के थाना बुलाए, उसके बाद में फिर हम लोग रेड छापेमारी किए। रेड छापेमारी में 4 आदमी को गिरफ्तार किए। खबर नालंदा से है, जहां ओवरब्रिज का गाटर गिरने से एक मजदूर की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, घटना के बाद ओवरब्रिज के गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने कई सवाल खड़े किए और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद नालंदा जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर मामले की जांच शुरू की। चीज को बोले थे कि आज हम लोग आए तो देख रहे हैं, देखने के बाद ही कुछ हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। क्या लग रहा है सर प्रथम दृष्टया से? कुछ प्रथम दृष्टि से तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी कुछ पता चल जाए। कितने सदस्य टीम थे सर? टीम में 3 आदमी हैं दिल्ली से। ये तो अब जांच के बाद वो क्या निष्कर्ष निकलता है उसी के बाद ही बताया जा सकता है। सर, ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए थे सर, अब वो सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। खबर नवादा से है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बता दें, पड़ोसी युवक ट्रॉफी का लालच देकर मासूम के साथ दुष्कर्म करता था, जिसके बाद पंचायत ने आरोपी युवक को 5 दफा उठक बैठक की सजा सुनाई। बता दें, ये सारा मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के गांव का है। खबर नवादा से है, जहां छापेमारी की भनक लगते ही पूरे हिसुआ अंदर बाजार में बालू लदे ट्रैक्टर ने जमकर उत्पाद मचाया और अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाजार के अंदर मोटरसाइकिल ठेला और महिला समेत फुटपाथियों की दुकानों को रौंदते हुए निकल गए, जिससे लोगों और दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद लोगों ने पुलिस से बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की। नाम क्या हुआ? हमारा नाम ज्ञानदीप शर्मा हुआ, घर बुलंदीगा हुआ। हम इधर से जा रहे थे, उधर से महिला मेरा और उसके पीछे लगा कोई आदमी नहीं था,
भैया ले एकदम चढ़ेले पढ़ेले पार हो गया, हम कैसे तो भाग गए तो हमको भी चाप देता पूरा, हम अभी तुरंत निकल गए थे आने पर हम भी चपा जाते, पूरा सब्जी था सारा सब्जी था सब नुकसान हो गया, थैला तराजू था इलेक्ट्रिक वाला सब चूर दिया, सब खत्म हो गया, देख रहे हैं आप सामने। लगभग कितना का नुकसान है? लगभग 2000 का सब्जी था और थैला कम से कम 5000 का होगा। टिहरी रेलवे स्टेशन पर जहर खुरानी का शिकार हुए अज्ञात युवक को रेलवे पुलिस ने बेसुध हालत में सासाराम सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया। अस्पताल कर्मचारियों ने युवक के नियमित देखभाल करने के बजाय बेड से बांध इलाज किया जा रहा है। पूरी घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सासाराम के सदर सिविल सर्जन डॉक्टर के एन तिवारी ने सदर अस्पताल में पत्रकारों के प्रवेश और समाचार संकलन पर रोक लगाने संबंधित नोटिस जारी किया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सुपौल से है जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की जगह वहां भूसा भरा दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल की विधि व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, वहीं यहां इलाज के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बता दें कई बार स्थानीय लोगों ने सरकार के सभी पदाधिकारियों को आवेदन देकर अस्पताल चालू करवाने के लिए गुहार लगाई, पर इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई। देखिए, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है तकरीबन 77 के नमसम में जो ये निर्माण किया गया था, जो कि काफ़ी दिन डॉक्टर भी रहे, 2004 में आकर के ये बंद हो गया। कई बार ग्रामीण लोग जो हैं कई विभाग को, जो स्वास्थ्य विभाग है उनको सूचना दिए, कई बार जो है हम अपने जब से हम अपने कार्यकाल में आए हैं तब से जो है स्वास्थ्य मंत्री को भी हमने अपना लेटर, मतलब आप पंचायत समिति होने के नाते आपने जितने भी विभागीय पदाधिकारी है उनको सारे को आवेदन दिए, सारे को आवेदन दिए, आश्वासन क्या मिला है अभी तक मैं आपको? बस आ रहे हैं, जांच हो रहा अभी है। तक जांच भी नहीं हुआ, जांच भी नहीं हुआ। नालंदा के बिहार शरीफ मुख्यालय के रामचंद्रपुर बस स्टैंड पर बस संचालन की टाइमिंग को दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग की गई। अराजक तत्वों ने रोडवेज की बसों में आग लगा दी। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अराजक तत्वों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश जारी किए। लड़का आया, मारपीट करा, दंगा किया। तुम्हारा क्या कोई विवाद चला पता? नहीं भाई, विवाद तो है टाइमिंग परमिट का, टाइमिंग परमिट का विवाद या फिर समझ में आया। कितना का संख्या था वो लोग? 60-70 गो से कम था। गोली रुक चलाया है? हाँ, फायरिंग तारिंग होवे किया। गाड़ी शीशा, गाड़ी के शीशा फूट गया है। कितने गाड़ियों का? 4-5 गो के। विवाद किस चीज को लेकर? टाइमिंग परमिट का विवाद है। आज दो बार लड़ाई हुआ कि एक बार? दो बार हुआ, एक बार मोड़ पर हुआ, एक बार स्टैंड में हुआ। गोली में चली? गोली में चला लगता है।
बनवरिया पंचायत में मुखिया के कराए विकास कार्यों से जनता काफी खुश है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में सड़क नाली कुआं का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया गया है। पंचायत के मुखिया सोहन राम ने स्थानीय जनता का आभार जताया और पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा। कैसा काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम सर हो रहा है। कौन काम करा रहा है सर? हम ही है। आप काम करा रहे हैं? आप क्या हैं? अरे मेट है हम लोग। मेट है तो कहाँ का बालू लग रहा है? बहुत बढ़िया एक नंबर काम सर, हर पंचायत से बढ़िया काम हो रहा है। लोग तो शिकायत करता है कि बढ़िया काम नहीं सर, हम लोग पूरा जनता एकदम एक साथ रहते हैं कि मुखिया जी बहुत बढ़िया काम कराई। आपके पंचायत में कितना काम हुआ लगभग अभी? लगभग सर बहुत काम हो गया, हमारे 20 नाली मनरेगा से भी 20 पॉइंट से ज्यादा भी हो गया है। हिसाब से मुखिया जी के काम कैसा? बहुत बढ़िया एक नंबर पर, हर पंचायत से बढ़िया काम बा हमारी पंचायत के। नया स्कूल से नथनी चौधरी के घर के पास तक ले। तो अभी ग्रामीण लोग शिकायत कर रहे बाकी और काम बढ़िया नहीं किया हो तो कितने तरह के काम रहुआ कर ना? अच्छा काम हो रहा सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ग्रामीण से पूछ ली, ग्रामीण लोग के मन से काम हो रहा बा। कौन सा पंचायत है? बनवरिया पंचायत। पंचायत में कितना 100 फीट रोड ढालना है? अब तो ये सर नहीं, हम लोग 300 फीट हो रहा है। 3-1 के पता चल रहा है कि 10-1 से ढलाई हो रहा है? नहीं नहीं सर। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं।